जय हिंद बच्चों, आज हम 10th क्लास सोशल साइंस जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम चर्चा कर रहे थे, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रिमेनिंग रह गया था, इसीलिए हमने सोचा कि इसको एक थोड़ा सा एक इस मुद्दे पर भी चर्चा कर लें। और उम्मीद है कि आपने प्रीवियस तीनों पार्ट आपने देखे होंगे, समझे भी होंगे, और इसी कंटिन्यूएशन में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने प्रीवियस तीनों पार्ट को देखें और देन कंटिन्यूएशन में इसको भी देखें, ताकि आप एक जानने का क्रम जो है वह सीक्वेंस में बन जाए और वह सारी बातें एक तरह से माला की तरह पिरो जाए, मतलब आपके माइंड में सेट हो जाए। सॉयल एज ए रिसोर्स, सॉयल मिट्टी हम लोग जानते हैं, एज ए रिसोर्स, रिसोर्स के बारे में बताया था मैंने बहुत दिन पहले कि रिसोर्स क्या होता है, जो चीज़ें हमारी ज़रूरत को फुलफिल करती। हम लोग अर्थ पे रहते हैं और अर्थ में सॉयल की प्रचुर मात्रा अवेलेबल है, तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को जानना भी मेरा फर्ज बनता है। आखिर सॉयल है क्या? नहीं, सॉयल एज ए रिसोर्स, सॉयल को हम रिसोर्स के रूप में क्यों जानते हैं? रिसोर्स का मतलब जो हमारी नीड्स को फुलफिल करता है, जो जरूरत को पूरा करता है वह रिसोर्स होता है, जो चीज़ें हमारी जरूरत को पूरा करता है वह रिसोर्स होता है, राइट। तो इस मुद्दे में जाने पर है कि व्हाट इज सॉयल, सॉयल है क्या? हमारे मन में कुछ, किसी के भी मन में क्वेश्चन आएगा, हम जिसके बारे में पढ़ते हैं आखिरकार है क्या वो? सॉयल इज रिसोर्स, सॉयल एज ए रिसोर्स आपने पढ़ा। अब सॉयल क्या है, व्हाट इज सॉयल? सॉयल इज एन इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, वी नो वेरी वेल। क्रस्ट क्या होता है? अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर है, मैंने बताया था, आई मीन छोटे क्लास में पढ़ना भी है, जो अर्थ है, अर्थ को तीन लेयर में भाग बांटा गया है। आपने देखा होगा कि जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वह होती है क्रस्ट, टॉप मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वह क्रस्ट है, और उसके नीचे मेंटल, और उसके नीचे आई मीन इनर मोस्ट जो है वह है कोर। आपने पढ़ा है क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल और कोर, मैंने ऐसे लिख दिया कोर। ध्यान रखिएगा जो टॉप मोस्ट लेयर है सबसे ऊपर वो क्रस्ट है, सेकेंड वन मेंटल एंड थर्ड वन कोर, जो छोटे क्लास में भी पढ़ना है। अभी मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दिया कि अर्थ की जो लेयर्स हैं वह तीन हो गई, क्रस्ट मेंटल कोर, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रस्ट टॉप मोस्ट लेयर, राइट है ना। अच्छा, इसमें बताया कि सॉयल इज एन इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, अर्थ के जो क्रस्ट हैं वह उनकी जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, एक्चुअली मिक्सचर का मतलब क्या होता है? साइंस में पढ़ा आपने, मिक्सचर का मतलब दो या दो से अधिक चीज जब किसी इनडिफिनिट रेशियो में मिलती है, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। तो यह एक ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स कितने हैं, क्या बोलते हैं, जैव पदार्थ। एक्चुअली जैव पदार्थ का मतलब क्या होता है, वे सभी चीजें जो जीव जंतु जो दब गई हैं किसी न किसी कारणवश, चाहे वोल्केनिक इरप्शंस के कारण हो, चाहे वह भूकंप के कारण हो, किसी भी कारण, अर्थक्वेक हो, आई मीन कोई फिजिकल आई मीन नेचुरल फेनोमेना के कारण जो दब गए हैं, तो वह डिकम्पोज होकर के एक ऑर्गेनिक मैटर का रूप ले लिया है, उनका मिक्सचर है। मिनरल्स, यूजुअली मिनरल का मतलब हम लोग समझते हैं जो चीज भीतर पाई जाती है, वो सभी मिनरल्स हैं, गैसेस, वाटर एज वेल एज वाटर एयर, आई मीन ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स, गैसेस, वाटर, एयर एंड अदर ऑर्गेनिज्म, इन सभी का एक मिक्सचर अर्थ कहलाता है। यह क्या है? अर्थ, ध्यान देना, यह सॉयल कहलाता है। यह एक मिक्सचर, सॉयल इज ए मिक्सचर ऑफ, सॉयल क्या है, एक मिक्सचर है, किसका? ऑर्गेनिक मैटर्स का, मिनरल्स का, गैसेस का, वाटर का, एयर का और अदर ऑर्गेनिज्म का। यह अर्थ के क्रस्ट की जो इम्पोर्टेंट लेयर होती है। अब समझना क्या है कि यह एक इम्पोर्टेंट एंकर भी है। एंकर का मतलब क्या होता है, फॉर वे, एंकर का मतलब जो चीजें, वे वस्तु जो अस्थायी रूप से फिक्स कर देगी किसी पर्टिकुलर उद्देश्य से, वह होता है एंकर। तो अर्थ की जो सॉयल है आई मीन मिट्टी जो है उसको हम एंकर का नाम दिया है, क्यों? क्योंकि वह वेजिटेशन के लिए, आई मीन वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधे को उगाने के लिए वह बहुत ही आवश्यक होता है, विच इज द की टू अ फूड साइकिल। अब आप समझ गए होंगे फूड साइकिल क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पे हैं उन सबको भोजन तो चाहिए, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, तो फूड के लिए, फूड साइकिल के लिए यह वेजिटेशन होना बहुत जरूरी है। वह कहाँ पॉसिबल है? वह अर्थ पे पॉसिबल है, तो वह किसके मदद से? सॉयल के मदद से। फाइनली सॉयल, व्हाट इज सॉयल, डिफाइन करने के लिए आया कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉयल या व्हाट इज सॉयल। तो सॉयल क्या बोलेंगे, सॉयल इज एन इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, इट इज ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स, गैसेस, वाटर, एयर एंड अदर ऑर्गेनिज्म, राइट। इतना तो याद हो ही गया होगा आपको। दूसरी बात, इट इज द एंकर ऑफ फॉर वेजिटेशन एज वेल, या
एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो गई किसी वेजिटेशन के लिए, आई मीन पेड़ पौधे उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, विच इज़ द की टू आर फूड साइकिल, जो कि बहुत ही आवश्यक एक चाबी है। चाबी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको बोलते हैं की, आई मीन फूड साइकिल ऑन द अर्थ। दैट इज वाई अर्थ को हम सभी प्लानट में इंपॉर्टेंट प्लानट का नाम दिया गया है। इसका वजह है चूंकि लाइफ को सस्टेन करने के लिए सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज, इन सभी की मदद से। अब इम्पोर्टेंट बात आता है कि आखिरकार सॉइल का फॉर्मेशन हुआ कैसे है, और इनको प्रभावित करने वाले, कहीं आपने सुना होगा कि कहीं की मिट्टी को बहुत अच्छी है, रोक खराब है, आई मीन इसके क्लासिफिकेशन को भी पढ़ेंगे हम आगे, लेकिन हम अभी आज जान लें कि सॉइल है क्या और उसके आगे इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो सॉइल इज फॉर्म व्हाट, मैंने लिखा भी है हाउ सॉइल इज फॉर्म, सॉइल का फॉर्मेशन हुआ कैसे। सॉइल कम्स फ्रॉम द रॉक्स, ध्यान देना कि सॉइल की जो शुरुआत हुई है वह रॉक से हुई, चट्टानों से हुई है, राइट है ना। सॉइल कम्स फ्रॉम रॉक्स, स्टेप बाय स्टेप इस चीज को याद रखिए कि सॉइल की जो फॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ रॉक्स, रॉक्स से हुई है, सॉइल का जो निर्माण हुआ है वह रॉक से हुई है। व्हेन रॉक इज एक्सपोज्ड, जब रॉक को एक्सपोज कर दिया गया टू द एटमोसफेयर, इस एटमोसफेयर में एक्सपोज, आपने सुना कि अर्थ की जो क्रस्ट है, आई मीन क्रस्ट मेंटल कोर जो लेयर्स हैं, ये जो भीतर वाला है वह मोल्टिंग फॉर्म है, आई मीन पिघला हुआ रूप है, और बहुत ही हॉट, जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है बाहर आकर के। आपने इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ा भी होगा, रॉक साइकिल, ठीक उसी तरह से जो बाहर निकल के आती है, एक्सपोज कर दिया गया एटमॉस्फेयर में, तो जो सॉइल में परिणत हो जाती है, आई मीन बदल जाती है, आई मीन मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। नाउ प्रॉपर्टी, आपने देखा होगा कहीं की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, कहीं की उपजाऊ नहीं होती, कहीं की कंक्रीट वाली होती है, यह सब इसके फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है, राइट है ना। तो प्रॉपर्टी जब सॉइल डिपेंड्स ऑन, आई मीन प्रॉपर्टी उसकी जो विशेषता है, आई मीन खासियत है, वह किस पर डिपेंड करती है, ऑन पेरेंट्स मटेरियल्स। पेरेंट मटेरियल का मतलब रॉक से, जैसे पेरेंट मटेरियल पर डिपेंड करता है, एटमोस्फेरिक कंडीशंस पे। आपने देखा भी होगा दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पेरेंट मटेरियल एंड एटमोस्फेरिक कंडीशंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यह पेरेंट मटेरियल जो है, रॉक को ही हम पेरेंट मटेरियल के नाम से जानते हैं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। याद रख लेना कि रॉक जो है वह टूटती, आई मीन जैसे हम एक्सपोज किया एटमोसफेयर में, तो टूटती है विद द हेल्प ऑफ वेदरिंग, आई मीन एटमोस्फेरिक कंडीशंस जो आपने सुना है, वेदरिंग, आई मीन वेदर के हिसाब से वह हवा के कारण, पानी के कारण, बहाव में आकर के सैंड सिल्ट इस रूप में वह बदलती चली जाती है, वह टूटती चली जाती है और एक डिपॉजिट होती है वह सेडिमेंट्स के रूप में। इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, रॉक ब्रेक्स ड्यू टू वेदरिंग एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर कोई गाड़ी घोड़ा तो है नहीं, वह ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, वाटर के माध्यम से होता है और विंड के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ वाटर एज वेल एज विंड। आपने देखा भी होगा जहाँ डेल्टा फॉर्म होती है, यूजुअली डेल्टा फॉर्म होती है जहाँ पर नदी समुद्र में मिलती है, जहाँ समतल जगह होता है, आई मीन फ्लैट सरफेस होता है, वहाँ पर डेल्टा फॉर्म होती है। चलिए कोई नहीं, हम आगे इस बात पर चर्चा करेंगे। डिपोजिटेड इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स, ये जो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उपस्थित होता है वह सब सेडिमेंट के रूप में जमा होता है। यह एक लंबे समय का प्रोसेस है, लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम में सबसे प्रोसेस फुलफिल होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिट होती है, धीरे 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 जमा होते 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 एक सेडिमेंट्स जो है वह बनते बनते एक सॉइल को फॉर्म करती है। फाइनली ये जो दो तीन बातें हमने बताया आपको, ये सॉइल के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज सॉइल, सॉइल के बारे में हम लोगों ने समझ गया। फिर दूसरा है हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, सॉइल कैसे फॉर्म होती है, इट कम्स फ्रॉम रॉक्स, यह रॉक से आती हैं जिसको हम पेरेंट मटेरियल के नाम से जानते हैं, ये इसी के कारण इसकी जो क्लासिफिकेशन, इसके टैक्सेस, इसके प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है। व्हेन रॉक इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, जब इसको हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो ये धीरे धीरे अपना रूप ले लेती हैं। प्रॉपर्टी जब सॉइल डिपेंड्स ऑन पेरेंट मटेरियल, अब इसकी जो गुण है, इसकी जो खासियत है, इसकी जो विशेषताएं हैं, वह सब उनके पेरेंट मटेरियल पर डिपेंड करती हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं, यह फाइनली ब्रेक होती है, टूटती है धीरे धीरे, एक चट्टान जो है टूटती है छोटे छोटे टुकड़ों में विद द हेल्प ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग के कारण। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, वाटर एज वेल एज विंड, वाटर और विंड दोनों उसके सेडिमेंट्स को जमा डिपोजिट करती चली जाती है। आपने देखा होगा कि जब कभी तेज आंधी आती है तो हम घर में भी धूल मिट्टी के क्लेयर सी बन जाती है, ठीक उसी तरह से अंदाजा लगा लीजिए कि विद द हेल्प ऑफ विंड हमारे घर में जब एक क्लेयर कुछ दिन तक अगर हम लॉक करके छोड़ दें तो एक मोटी सी परत धूल मिट्टी की जम जाती है। सिमिलरली बाहर गाड़ी छोड़ देते हैं लोग, आपने देखा होगा कि बहुत धूल मिट्टी एक लेयर, मोटी लेयर सी जम जाती है, सेम प्रोसेस उधर भी होता है।
इट टेक्स टाइम, या क्या लेती हैं, समय लेती हैं यूजुअली। हम इसमें हम अब इसको देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके लिए मैंने नोटिस किया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, वे फैक्टर कौन कौन है जो इस सॉइल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, तो वह क्या है, पेरेंट मटेरियल। मैंने पेरेंट मटेरियल के बारे में बताया था, रॉक्स की हम चर्चा कर रहे हैं, यह चूंकि रॉक से ही निकलता है इसलिए इसके पेरेंट मटेरियल क्या हुआ, रॉक्स, याद रख लेना, इसमें रॉक पर डिपेंड करता है टोटली। दूसरा टोपोग्राफी, यह डिपेंड करता है कि वहां की बनावट कैसी, कहीं हाईलैंड आपको पता है, प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन्स, दीज आर नोन एज टोपोग्राफिक कंडीशंस। टोपोग्राफी का मतलब होता है कहीं हाईलैंड है, कहीं लोलैंड है, ये सब जो फॉर्मेशन है इस जगह के आधार पर डिपेंड करती है, यानी कहीं की मिट्टी अच्छी है। इन सबको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वे कौन कौन है, पेरेंट मटेरियल्स, दूसरा टोपोग्राफी, तीसरा क्लाइमेट। क्लाइमेट के बारे में 9th क्लास में पढ़ना था, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन इज नोन एज क्लाइमेट। ये क्लाइमेट जो है लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम में चेंज होता है, इट टेक्स अबाउट 20 to 25 years, 25 to 30 भी बोल सकते हैं आप। ये क्लाइमेट का भी असर होता है इस पर, टोपोग्राफी का भी असर होता है और पेरेंट मटेरियल का भी असर होता है। एक लास्ट टू वन ऑर्गेनिज्म, अच्छा दो बात समझिए अपन कि ऑर्गेनिज्म जो जीव जंतु हैं उन सबको अपने साथ ले आकर दबो देती है नीचे, तो वह कुछ समय के बाद वह डिकम्पोज हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अस्थियां हड्डियां मिलती हैं जमीन के नीचे दबी हुई, वह क्या है, वह डिकम्पोज। जानवर अगर दब गए हैं तो उनकी जो और भी मटेरियल है वे सब तो डिकम्पोज मिट्टी में बदल जाती हैं, वह लेकिन एक दो दिन में नहीं बदलती, वह मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। आपने फॉसिल्स फूल भी पढ़ा होगा आगे, ऑर्गेनिज्म के कारण टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टेक्स टाइम। अब इन टाइम्स के कारण आप समझिए, टाइम का मतलब एक दो वर्ष नहीं है, टाइम का मतलब लंबा समय। तो सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत एक लंबा समय लगता है। फाइनली ये सॉइल का फॉर्मेशन हमने 3 बात सीखा अभी, क्या क्या एक बार रिकॉल कर लेते हैं, व्हाट इज सॉइल, हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, देन अब आगे देखते हैं कंटिन्यू क्या करें कि हम देखेंगे कि मिनरल इन सॉइल्स। अभी हम लोगों ने देखा कि फॉर्मेशन के बारे में, अब इसके आगे देखते हैं तो मिनरल्स इन सॉइल, राइट है, मिनरल्स इन सॉइल, वे कौन कौन से मिनरल होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं, राइट है। मिनरल्स अब ध्यान से सुनना कि द टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, स्पेशली यहाँ पर दो तरह के मिनरल्स अवेलेबल होते हैं सॉइल में, दो तरह के मिनरल्स हमने नोटिस किया है कि टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स फॉर्म देयर, राइट, वहाँ पर दो तरह के मिनरल्स होते हैं, वे होते कौन है, प्राइमरी मिनरल्स एज वेल एज सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंड, हमें देखिए इसके याद करने का तरीका भी है कि सॉइल में दो तरह के मिनरल होते हैं, फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी, वेरी सिंपल। अब प्राइमरी में क्या क्या होता है, सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, सिलिकेट मिनरल्स आपने उधर अर्थ के क्रस्ट के बारे में पढ़ा था, उसमें ओशियनिक क्रस्ट और आपने ओशियनिक क्रस्ट और एक कंटिनेंटल क्रस्ट देखा था आपने, राइट, ठीक उसी तरह से साइमा के बारे में पढ़ा था, वो सब क्या था, इसी के बारे में बताया गया था, सिलिकेट मिनरल्स के बारे में, जिसमें एल्यूमिनियम, सोडियम, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन सभी की प्रचुरता वहाँ पर अवेलेबल होती है। इस तरह के मिनरल्स को हम प्राइमरी मिनरल के रूप में हम काउंट करते हैं, समझते हैं, याद कर जाइए। सॉइल में जो मिनरल्स अवेलेबल होते हैं दो तरह के, फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी। तो प्राइमरी मिनरल्स जो होते हैं वह सिलिकेट मिनरल्स को बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या कंटेंट करता है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, इनको हम प्राइमरी मिनरल्स में काउंट करते हैं। दूसरा सेकेंडरी मिनरल्स, इसमें क्ले, मिनरल ऑक्साइड्स, जो ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करके कंबाइन होकर के जो ऑक्साइड फॉर्म करता है, और क्ले, इनको हम सेकेंडरी में काउंट करते हैं। तो प्राइमरी जो ओरिजिनल होता है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी जो किसी के मिलने से और चीज नया बन जाता है, तो ऑक्साइड्स इसीलिए इसका नाम हम सेकेंडरी ग्रुप में रखा। तो याद करने का तरीका याद कर लीजिए, जो डायरेक्ट है वो प्राइमरी है, जो कुछ मिल के बना हुआ है वह है सेकेंडरी। तो दो तरह के मिनरल्स होंगे, प्राइमरी मिनरल्स एंड सेकेंडरी मिनरल्स। ये तमाम चीज़ें आपको जानने के लिए जरूरी है और आपको याद करने में भी सुविधा होगी। नाउ फंक्शन ऑफ सॉइल, आखिरकार हम इन तमाम चीज़ों को पढ़ तो रहे हैं, इसके यूजेस क्या हैं, नहीं आखिरकार सॉइल के यूजेस भी तो जान लें, आखिरकार हम सॉइल जब देख रहे हैं समझ रहे हैं, लेकिन और भी इसके प्रयोग क्या क्या हैं, यूजेस क्या हैं उनके बारे में, मीडियम ऑफ ध्यान दीजिए, या सॉइल के यूजेस प्रयोग क्या है, क्या रोल प्ले करता है, मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट के ग्रोथ के लिए एक बेस तो चाहिए, जहाँ पर अगर मिट्टी नहीं हो तो पौधा उगेगी क्या, नहीं संभव है। तो इसके लिए वो मीडियम एक माध्यम हुआ पौधे के ग्रोथ के लिए, मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ के लिए यह रोल प्ले करता है इम्पोर्टेंट कौन, सॉइल। सॉइल नहीं होगा तो हम प्लांट ग्रो कैसे कर पाएगी,
इसलिए एक माध्यम का रोल प्ले करती है, मीन्स ऑफ ए स्टोरेज एक माध्यम का भी रोल प्ले करती है, सप्लाई आई मीन स्टोर करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को स्टोर करना, आपने सुना होगा कुछ ऐसी भी वर्ड, अभी सवाल पढ़ेंगे आप इसके क्लासिफिकेशन में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी वाटर होल्डिंग हमें स्टोरेज की के लिए रोल प्ले करती है, सप्लाई के लिए और प्यूरिफिकेशन के लिए, वाटर को प्यूरिफाई करने में भी सवाल का एक बहुत बड़ा रोल होता है, मॉडिफायर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर, अर्थ के एटमोसफेयर को मॉडिफाई कर देती है, आपको याद होगा कि बहुत जगह चट्टानी मिट्टी होती है, बहुत तरह की गर्मी होती है वहाँ पर, वहाँ की कहीं बालू वाली मिट्टी होती है, इस तरह से उसका जो है एक मॉडिफिकेशन किसके द्वारा होता है, सॉइल के द्वारा, मॉडिफायर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर या अर्थ के एटमोसफेयर को मॉडिफाई भी करती हैं, एंड लास्ट वन प्रोवाइडिंग द नेचुरल हैबिटेट एंड द बेसिस फॉर लाइफ, यह एक नेचुरल हैबिटेट देती है, हैबिटेट का मतलब जहाँ पर जीव जंतु बड़ा फ्री मैनर में रहते हैं उसको बोलते हैं हैबिटेट, याद कर लेना कि प्रोवाइडिंग नेचुरल हैबिटेट एंड बेसिस फॉर लाइफ, और लाइफ को लाइफ को सपोर्ट करने का एक आधार देती है, याद कर जाना है कि सॉइल का जो रोल है वह इन सब मुद्दों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, राइट है, तो इनके कारण आप समझ गए कि सॉइल के यूजेस कहाँ कहाँ हैं, तो याद कर जाना है, ये प्लांट के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये स्टोरेज सप्लाई और प्यूरिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाटर के मॉडिफायर ऑफ एटमॉस्फेयर है, और यह नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है, साथ में बेसिस फॉर लाइफ भी प्रोवाइड करता है, राइट ना, तो इसके आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, राइट, टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, राइट है, भारत में सॉइल के जो टाइप्स हैं वे अलग अलग हैं, राइट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट जो सॉइल है वो हम उसकी बात करते हैं पहले, अल्लुवियल सॉइल, अब ये इसलिए हमने इसका नाम फर्स्ट लिखा है, वी हैव टू कंटिन्यू है ना, अल्लुवियल सॉइल, राइट करना है कि अल्लुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी इसको बोलते हैं, आई मीन अल्लुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी, यह मोर देन 40% लैंड मास एरिया जो है उसको कवर करती है, मोर देन 40%, याद रख लेना है कि यह लोकेशन इसका कहाँ का है, नाम तो याद है अल्लुवियल सॉइल, और अल्लुवियल सॉइल का लोकेशन कहाँ का होता है, मेनली फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, याद रख लेना है, यह नॉर्दर्न प्लेन्स में मुख्य रूप से पाया जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, जो नदी घाटी है वहाँ पे, आपने सुना भी होगा ना कि सेडिमेंट जो है वह विंड वाटर के माध्यम से आकर के जमा होती हैं और एक लेयर फॉर्म कर देती है जिसके कारण से सॉइल की फॉर्मेशन होती है, तो यह बात याद रखना, अल्लुवियल सॉइल आई मीन जलोढ़ मिट्टी यह 40% से अधिक भाग को कवर करती है, इतना तो याद हो ही गया, ये कहाँ मिलता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में उत्तरी मैदानी भाग में यह देखने को मिलता है, एंड रिवर वैलीज जो नदी घाटी है उनमें, वेयर द रिवर्स डिपोजिट्स द सेडिमेंट्स, अभी मैंने बोला क्या कि विद हेल्प ऑफ वाटर जो सेडिमेंट्स डिपोजिट होती हैं वो एक सॉइल फॉर्म करती है, दैट इज अल्लुवियल सॉइल, वो क्या है अल्लुवियल सॉइल, खास करके पेनिनसुलर रीजन, आपको पता है इंडिया एक पेनिनसुला है, और पेनिनसुला किसको बोलते हैं जो तीन साइड से वाटर से वाटर बॉडी से कवर्ड, उसको हम पेनिनसुला के नाम से जानते हैं, यह पेनिनसुलर रीजन में फाउंड होता है, राइट ना, एंड स्पेशली इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डेल्टा वहाँ फॉर्म करती है, वहाँ पर जहाँ पर नदियाँ, देखिए अपने रिवर्स के बारे में 9th क्लास में पढ़ा होगा, दो तरह की रिवर होती हैं, एक हिमालयन हिमालयन रिवर हिमालयन, और एक होता है पेनिनसुलर पेनिनसुलर रिवर, रिवर यहाँ भी कर दीजिए और यहाँ भी कर दीजिए रिवर, तो हिमालयन रिवर जो होती है जो वर्ष भर पानी रहती है उसमें, और एक पेनिनसुला रिवर होती है जो वर्ष पर तो नहीं होती है सीजन के हिसाब से, तो हिमालयन रिवर और पेनिनसुला रिवर का अंतर आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, तो पेनिनसुला रीजन में यह अल्लुवियल सॉइल आपको मिलते हैं, फाउंड इन कोस्टल एरियाज स्पेशली कोस्टल एरिया आई मीन जो तटीय इलाका है उसमें, और इसमें एक बात और बता दूं, यह खास करके पंजाब मैप में आप देखेंगे, इससे क्वेश्चंस मैप में भरने के लिए आता है, लोकेट करने के लिए, इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में, पंजाब हरियाणा और यूपी खास करके ईस्टर्न कोस्टल एरियाज इन सब जगहों में यह अल्लुवियल सॉइल आपको स्पेशली मिलता है, तो याद कर जाना है पंजाब हरियाणा यूपी और ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में अल्लुवियल सॉइल आपको अवेलेबल मिलेंगे, राइट है ना, और एक बात और समझना है यहाँ पर कि जो इससे माली मैदानी भाग है यहाँ पहाड़ है, इससे जो सिया एंड सिल्ट जो आप ढुलक करके नीचे आएंगे विद हेल्प ऑफ विंड वाटर जो कुछ भी है, वह जो नीचे का इलाका होगा ना यहाँ पर उसको हम तराई बेल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं तराई, जो कि बहुत ही डिपोजिट होती है यहाँ पर, यह जगह बहुत ही उपजाऊ हो जाती है, क्या होती है बहुत ही उपजाऊ, उसको हम तराई के नाम से जानते हैं, यूपी को हम तराई के नाम से जानते हैं, आसाम को ड्वार्स के नाम से जानते हैं, और इसमें पंजाब को हम चाओस के नाम से जानते हैं, कभी कभी क्वेश्चन कन्फ्यूज करने के लिए आता है चाओस तराई एंड ड्वार्स,
यह जो है वह एलुवियल डिपोजिट का जो है लोकेशन है, याद कर जाना है इसमें। ईस्टर्न कोस्ट एरियाज में आसाम भी याद रखना, पंजाब, हरियाणा, यूपी, जो ऊपर का जो मैप का ऊपर का जो हिस्सा है यह भाग एलुवियल डिपोजिट के लिए आता है, एलुवियल सॉइल के लिए, यस कर देता हूँ, एलुवियल सॉइल के लिए आता है, हमेशा याद रख लेना है आपको, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बनावट क्या होती है, रिच इन फॉस्फोरिक एसिड्स, यह फॉस्फोरिक एसिड में प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होती है, एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, आपको पता है जैसे ऑर्गेनिक मैटर होगी इसमें ह्यूम जमीन उपजा पर फर्टिलिटी मैक्सिमम होगी, बट इन पुअर इन पोटास, लेकिन उसमें पोटास की मात्रा बहुत ही लिस्ट होती है, बहुत ही कम होती है। मिक्सर ऑफ सैंड एंड क्लेस, इसमें सैंड और क्लेस इन सब का एक बहुत बड़ा मिक्सचर देखने को मिलता है। तो आपने सॉइल के फॉर्मेशन में पढ़ा था ना, ये एक मिक्सचर होता है, सैंड और क्ले का एक मिक्सचर जो है वो एलुवियल सॉइल फॉर्म करता है। अब समझना क्या है कि यह टाइप्स इसके दो हो गए, एक्चुअली टाइप्स दो हो गए, इसका मतलब क्या है, उस दोनों को भी जाना जरूरी है। तो जो एक खादर एक बांगर, नाम बड़ा अजीब सा है, याद रखिए खादर और बांगर सॉइल जो है एलुवियल सॉइल टू टाइप्स में हो गए, खादर और बांगर। खादर और बांगर, बांगर भंगार आपने सुना है नाम ना, भंगार का मतलब जितने भी रद्दी बेकार चीज़ें, आई मीन पुरानी चीज़ें, तो ओल्ड एलुवियल, याद करने का एक जादू हो गया कि वह एलुवियल डिपोजिट्स जो है वह अगर पुरानी है उसका नाम होता है बांगर। बांगर एलुवियल सॉइल को हम ओल्ड एलुवियल के नाम से जानते हैं, उसके उल्टा आप देख लीजिए जो खादर है वह न्यू एलुवियल में है। क्वेश्चन आता है खादर और बांगर में डिफरेंस बताइए, तो उसमें ये याद रख लेना है खादर जो है और न्यू एलुवियल सॉइल है, जबकि बांगर एक ओल्ड एलुवियल सॉइल है। जो नया वाला है वो मोर फर्टाइल है, आई मीन खादर इज मोर फर्टाइल देन बांगर, आई मीन बांगर जो है वो लेस फर्टाइल है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ ही गया होगा कि दो डिफरेंस तो बिल्कुल क्लियर है कि खादर और बांगर, खादर न्यू एलुवियल सॉइल होता है और बांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल है। दूसरा, खादर इज मोर फर्टाइल एंड बांगर इज लेस फर्टाइल। आपको ये याद कर जाना है कि इन सब में एलुवियल सॉइल का मेन मोटो क्या है, फर्टिलिटी के आधार पर, और फर्टिलिटी के लिए हमने बताया कि बांगर जो है वो लेस फर्टाइल है और खादर मोर फर्टाइल क्योंकि वो न्यू एलुवियल है। अब इसके लिए मेजर क्रॉप्स क्या है, इन सॉइल में कौन कौन से फसल या कौन से अनाज उगाए जाते हैं, स्पेशली वह क्या है, शुगर केन, याद रखना शुगर केन, आई मीन गन्ना, पैडी, व्हीट एक्सेट्रा, और सारे भी हैं, आप एक बार बुक जरूर देखेंगे एनसीईआरटी की बुक। कारण क्या है, इतना तो हम एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको एक बार गो थ्रू करना है बुक को भी, लेकिन याद कर जाइए मेजर क्रॉप्स में शुगर केन, पैडी, व्हीट, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होंगी। इस मिट्टी के कारण ये सब चीज़ें अधिक पैदावार देती हैं, इसलिए लोग वहाँ पर इस तरह की खेती किया करते हैं। ये था टॉप मोस्ट सॉइल जो है वो एलुवियल सॉइल है, और इसके आगे भी हम दूसरे सॉइल को पढ़ते हैं। इसके रिमेनिंग पार्ट्स, एलुवियल सॉइल हमने अभी कवर किया, एलुवियल सॉइल राइट है ना, चूँकि ये बहुत ही एक बड़ा पार्ट कवर करता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जिसमें सॉइल जो है किस किस टाइप के सॉइल होते हैं, इसको हम अगले पार्ट में हम कवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग।